मिनट, तुम वहां से आओ। आज मैंने नहीं किया, जिसने किया शबाना। हमेशा मैं ऐसे करती हूँ ना, तो शबाना बोलती हर वीडियो में आप ऐसे करती हो। खुशबू आ रही है। आज जिसने किया, मैंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और कोकन इन यूएई इस सीरीज को बहुत सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ नाराजगी भी है, कुछ अच्छे कमेंट्स भी हैं, देखकर पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो आपका इंतज़ार ख़त्म और हम लोग वापस आए हैं कोकन इन यूएई इस सीरीज़ को दोबारा से शुरू करते हैं और एक नई कोकनी रेसिपी ले के साथ में। और उम्मीद है इस रेसिपी को भी आप सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। तो देखते हैं ये कौन सी रेसिपी होगी। तो आज हम आए हैं मेनास काजी के घर पे, जो दुबई में रहती है, और आज हम उनसे सीखेंगे एक नई कोकनी रेसिपी। वो कौन सी रेसिपी है, चलिए देखते हैं और मिलते हैं मेनास से। मेनास, अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों बाद है ना। तो मेनास सब रेडी है? सब रेडी है, बस आपका इंतजार था। ओह सो स्वीट। तो आज कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। बहुत दिनों बाद इस सीरीज में वापस से एक कोई नई कुकरी रेसिपी आने वाली है, तो वो कौन सी होगी? ऑन डिमांड पे थी ये रेसिपी, तो आप गेस कीजिए कि ये कौन सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे सरोले, और वो भी दो तरीके से, एक स्वीट वर्जन और एक सेवरी वर्जन। एक मीठा और एक तीखा, तो दोनों फ्लेवर्स आपको देखने मिलेंगे। वाह क्या बात है, आज मैं भी सीखूंगी। हमारे यहाँ पे तो ज्यादातर मीठा ही मम्मी बनाते हैं, नारियल का चून और वो सब डालकर, लेकिन आज मैं सेवरी यानी तीखी वाली वर्जन भी सीखूंगी आज मेनास से, देखते हैं। मेनास, इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे एक बार बताना क्या है और हमारे व्यूअर्स को। जी, सरोले क्या चीज है पहले वो बताना। सरोले एक्चुअली इफ यू कैन सी, सरोले ऐसे गोल छोटे राउंड्स बनाते हैं, ये वीट से बनते हैं, गेहूं के आटे, मैदे के भी बनते हैं ना, मैदे के बनते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक सरोले होते हैं वो गेहूं के आटे के होते हैं। अच्छा। इसलिए वो बहुत हेल्दी होते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे इसलिए ब्रेकफास्ट में बहुत खाया जाता है इसको, बिकॉज बहुत हेल्दी होता है। तो ये एक एक बारीक ऐसा गोला बना के तार पे, स्टिक पे, वो जो लकड़ी की पतली स्टिक होती है उस पे रोल करके फिर उसको सुखाया जाता है पूरे दिन, तब ये ऐसे निकलते हैं। अच्छे इसमें कलर्स तो, भी यूज करते हैं ना, जी, तो कलरफुल बन जाते हैं ना वो। आजकल थोड़ा बच्चों के लिए भी और शादी में चिक्से में देने के लिए थोड़ा वो कलरफुल दिखे तो अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग कलर डालने लगे। बट मुझे ज्यादा बेसिक कलर पसंद है, ज्यादा दिन कलरफुल, तो मैं हमेशा प्लेन लेके आती हूँ। तो पहले हम बनाएंगे चिकन के सरोले, जो सेवरी है हमारी, तो उसके लिए हमें ये 3 कप सरोले है जिसको हमें रोस्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। रोस्ट करके वो ऐसे होने चाहिए, थोड़े डार्क ब्राउन, एकदम डार्क नहीं, स्लाइट ब्राउन ऐसे होने चाहिए थोड़े। और उसमें हमें लगेगा नारियल का दूध 2 कप, 3 छोटे अनियन चॉप किए हुए बारीक, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची ज्यादा लगती है इसमें क्योंकि और कोई स्पाइसेस नहीं है, तो कम से कम तीखा होने के लिए। हाँ, तो लाल मिर्च नहीं डालते, तो 8 से 10 हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई, डिपेंड्स। तो अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं। और मसाले में लगता है धनिया पाउडर 3 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, और ये है सौंफ की पाउडर जो कि बहुत यूज होती है कोकनी क्विजीन स्पेशली, तो ये 2 टेबलस्पून, और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से। तो ये पूरा यूज होगा हमारा चिकन के सरोले बनाने के। और ऑफ कोर्स ये है चिकन, 1 किलो चिकन लगेगी इसके लिए, इसके लिए। हाँ ठीक है, तो ये 1 किलो चिकन का पूरा मेजरमेंट है जो आपको लगेगा। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करें। यस, तो सरोले जैसे आपको पता है
हमने रोस्ट करके रखे घी में रोस्ट किया है इसको। घी कम से कम 4 टेबलस्पून हमें घी लेना है टू रोस्ट दिस। अच्छा घी जाना चाहिए तो अच्छे क्रिस्प रोस्ट होते हैं। और देखना, ध्यान रखना है जल ना जाए। हाँ, वो एकदम भी क्योंकि घेहू के बने हुए हैं तो बहुत जल्दी पता नहीं चलता कि जल गए हैं या बन गए हैं। चिकन के लिए हम थोड़ा एक शेड लाइट रखते हैं और वही अगर हम स्वीट बना रहे हैं तो इससे थोड़ा डार्क रखते हैं, क्योंकि स्वीट में ना वो एक थोड़ा चॉकलेट ब्राउन कलर कैरेमल, वो एक अच्छा लुक भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा। आज मैं मीठे मीठे वाले सरोले आपके तरीके से सीखूंगी। हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग बनते हैं, हर गांव की अलग रेसिपी है। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल 2 टेबलस्पून। अभी हम इसमें डालेंगे हमारे चॉकलेट, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाला है। थैंक यू। इसको लाइट सॉटे करते हैं, ज्यादा नहीं पकने देते सब एक साथ। तो ये आंच धीमी रखनी होती है ना, धीमी आंच पे ही हम करते हैं सर, क्योंकि हमको उसको ज्यादा सिजल, ज्यादा एकदम नहीं क्रिस्प करना है। कलर जैसा है लाइट ट्रांसलूसेंट जो बोलते हैं, हाँ, वैसे ही रहना चाहिए। हम डालेंगे ग्रीन चिली इसमें, आज एकदम चटपटा बनाएंगे हम। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे एक साथ ही डालेंगे, सब एक साथ। ये बहुत इजी है, मतलब इसमें सब एक साथ डाल के उसको दम पे रख दो, हो जाता है। तो अब इसमें डालेंगे धनिया, सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर कोकनी खाने में सौंफ का पाउडर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। सौंफ, नमक, खुशबू, हाँ, मिर्ची, धनिया और सौंफ, एक अच्छा मिक्स है। ये कोकनी मसाला ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, ये लेग पीस कौन है? दामाद। दामाद। बस दामाद, बेटियों को तो लेग पीस जब पता था तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। चलो, मुर्गी की दो टांगे एडजस्ट हो जाती है, एक बेटी को देती है और एक दामाद को देती है। तो भी अच्छे से भूनना है, तब तक भूनो जब तक चिकन थोड़ी गल ना जाए। हाँ, आधी जब गल जाती है तो वो पता चल जाएगा देख के ही कि वो कलर चेंज होने लग जाता है ना चिकन का, चिकन थोड़ी वाइट हो जाती है और वो हट जाता है तो पता चल जाता है कि गल गई है। तब तक हमें इसको स्टर करना जी। इसको हमने सॉटे कर दिया है, अब इसको हम दम कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। कितनी देर तक दम करना होता है? कम से कम 7 से 10 मिनट लग जाता है, मतलब थोड़ा गल जाए चिकन। हाँ, चिकन गल जाए क्योंकि सरोले बहुत जल्दी गलते हैं। अच्छा। तो फिर हम उसमें चिकन गलने तक अगर वेट करें तो सरोले मैश हो जाएंगे, तो इसलिए हमको इसको पहले ही गला देना है। ठीक है, इसको हम दम पे रख देते हैं। तो जब तक ये चिकन गल रही है सबीना दी, हम तब तक नीचे का बना देते हैं। हाँ, तो पीछे रख देते हैं, थोड़ा ही पकते रहेगा तब तक यहाँ पे मीठे की तैयारी कर लेते हैं। हाँ? तो मीठे के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? मीठे के लिए हमने वापस से घी में रोस्ट किए हैं सरोले। हाँ। लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंस कलर में, ये थोड़े ज्यादा डार्क है और इसमें मुझे इलायची नजर आ रही है, तो रोस्ट करते हुए इलायची। तो इसमें भी 3 टेबलस्पून आप घी ले लीजिए, 2-3 इलायची और दालचीनी, तो इससे वो खुशबू आ जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स है, इसमें हमें लगेगा शक्कर और इलायची पाउडर, जरूरी है, वो ऊपर से जाना चाहिए, जाफरान जी जो हमें लगेगा, ये इलायची और दालचीनी हमने ऑलरेडी यूज कर दिए है रोस्ट तो ये नहीं यूज करेंगे, ये अभी हम वापस नहीं यूज करेंगे। और अंडे इसमें बहुत जरूरी है, मीठे सरोले में लास्ट में 2 या ज्यादा है तो 3 अंडे तोड़े जाते हैं, जो कि पहचान है मीठे सरोले की, बहुत लोगों को पसंद आते हैं, तो ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो जाता है मीठा। तो शुरू करें फिर। ओके, है ना।
तो अभी हम ये सरोले लेंगे। तो इसमें आपने कुछ मतलब डाला नहीं है? नहीं, इसमें कुछ नहीं ज्यादा, सिर्फ घी और इलायची दालचीनी जो इसमें रोस्ट होते हैं। तो अभी ये रोस्टेड सरोले में अब हम डालेंगे शक्कर। शक्कर इसमें ज़्यादा डालते हैं क्योंकि सरोले शक्कर पूरी खींच लेते हैं, तो बाद में ना वो जब पक जाते हैं तो फीका हो जाता है, इसलिए एक कप शक्कर इसमें रखती है। अगर अगेन आपको कम मीठा पसंद है तो कम कर सकते हैं, लेकिन पीसता है शक्कर तो जितना आप डालेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही डालें, तो पकने के बाद पूरा शक्कर खींच लेगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी और उसको फिर ढाक के दम पे रख देंगे जब तक सरोले गलते नहीं हैं। तो पानी का अंदाज़ा ऐसे होता है कि उतना पानी डालो कि ये सरोले पूरे डूब जाएं। अच्छा, तो उसके थोड़ा लेवल ऊपर कि पूरे सरोले डूब जाएंगे आपके। ओके। तो वो आपका पानी का अंदाज़ा होता है, तो फिर नरम नहीं होता है। अभी देखो सरोले पूरे पानी के अंदर डूब चुके हैं, तो ये हमारा पानी का अंदाज़ है। अब इसको हमें मीडियम गैस पे ढक के दम कर देना, तो ये पूरे पक के ड्राई होने तक। ठीक है, जरा चिकन का भी हाल देख लेते हैं। चिकन हाँ गलने पे आ गई है। अब हम इसमें सरोले डालेंगे, पूरे डाल दो, पूरे डाल दो। इसको अच्छे से मिक्स कर दो। पहली बार देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, मैंने हमेशा मीठा ही देखा हुआ है। नारियल का दूध जाता है, 2 कप नारियल का दूध। ये पूरा डाल दो? पूरा डाल दो, इसमें पानी नहीं जाता। तो अच्छा, जो तो भी ग्रेवी है, जो भी है पूरा वो सॉफ्ट, वो नारियल के दूध में ही पकेगा। ये भी कितनी हेल्दी रेसिपी है। बहुत जो सरोले हैं वो भी गेहूं के हैं, चिकन है, नारियल का दूध है, ये एज गुड एज मतलब ये रोटी और चिकन आप खा रहे हो वही हो गया। बस वही है, एक ही वन पॉट डिश। हाँ, वन पॉट डिश जैसे हो गया। तो अभी हम इसको दम पे रखेंगे। नारियल की दूध की खुशबू आ रही है। तो अभी 10 मिनट इसको लगेंगे पकने, तो इसको भी हम जैसे मीठे के साथ किए थे इसको ढक्कन डाल के दम कर देंगे। दम होंगे, थोड़ा आंच स्लो कर। अभी यहाँ पे ये भी पक रहा है, तो एक साथ में 2 रेसिपीज बन रही है। हाँ, मल्टीटास्किंग इसे कहते हैं, है ना। तब तक हमारी दोनों रेसिपीज पक रही है दम पर, तो सोचा कुछ बातें करते हैं मैना से, जरा उनके बारे में भी कुछ जानकारी ले ले, कुछ उनकी गांव के बारे में, कौन से गांव से है, सब बातें तो करनी चाहिए ना। औरतें हो और बातें ना हो, कुछ गपशप ना हो तो मजा नहीं आता। मैनाज आ जाओ, दम पर हो रहा है तब तक। जी बैठो, आज तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने मैनाज तब से मुझे कह रही है दी आप क्या पूछोगी, मेरा इंटरव्यू है। मैंने कहा हाँ मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ। पास होंगी कि नहीं मैं वो बाद में पता चलेगा, मैं तो नहीं बताऊंगी कि तुम पास होगी कि नहीं, ये व्यूअर्स बताएंगे कि तुम पास हो गई या नहीं। सब चीजें बराबर से बताना वरना कमेंट में आ जाता है। आजकल बहुत कमेंट्स आ रहे हैं अपनी वीडियोस पे, अच्छे भी आ रहे हैं और बुरे भी आ रहे हैं, तो सर आंखों पर जो भी कमेंट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोकनी रेसिपीज तो इतनी सारी है, अभी जो सीरीज चल रही है ना उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया है, अभी ये भी दिखाइए, वो भी दिखाइए, ये भी दिखाइए। मैंने कहा धीरे धीरे, वो कोविड की वजह से तो रेसिपीज शूट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बैक टू वर्क, बैक टू रूटीन, हमारे बैक टू शूट। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रेसिपीज पसंद किए और डिमांड पे है,
तो सबसे पहले डिमांड पे थी सरोले, तो आज सरोले बने हैं। चलो आज डिमांड पूरी हो। हाँ, फिर है तिलकुट है, फिर है फिश मसाला है, तो ये भी रेसिपीज अभी नेक्स्ट आती रहेंगी शूट, अभी हम करते रहेंगे इसे। तो एक तो मुझे ये बात की खुशी हुई, जो हमारा मकसद जो था ना कुकन इन यूई इस सीरीज को स्टार्ट करने का, तो मकसद यही था कि हमारी जो कोकनी रेसिपीज है, आपने देखा होगा कि कुछ काफी लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं जी, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी शायद काफी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे लिए कैसा है, ये रेसिपी हमने बचपन से खाया हुआ, ये हमारा रोज का खाना है, बट अगर हम किसी और को खिलाते हैं ना तो उनके लिए वो एकदम वाओ डिश बन जाती रेसिपी है जैसे, एंड बहुत अच्छी लगती है, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे क्या बनाया, कैसे डाला, एंड हम लोग बोले यार ये तो ठीक है नॉर्मल है, हम रोज बनाते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, बट काफी पसंद आती है। तो इसी वजह से ये स्टार्ट करने का मेरा, ये सीरीज स्टार्ट करने का मकसद यही था कि लोग जाने कि कोकनी रेसिपीज क्या होती है। अच्छा, कोकनी मतलब उनको ऐसे लगता है कि मैंगलोरियन कोंकनी और एक गोवन जी, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत नारियल भी है जी, बट काफी सिमिलैरिटीज भी है, बहुत सेम है कोंकनी और कोकनी दोनों साइड की चीजें, क्योंकि कोकोनट एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हर जगह यूज होता है, सब सब रेसिपी, और फिश जो सब जगह यूज होता है। तो ये रेसिपीज मुझे जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं ना वीडियो पे, तो जानकर इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब पढ़कर कि काफी नॉन कोकनीज इस रेसिपीज को देखकर, इन वीडियोस को देखकर है ना पसंद करने लगे हैं, और गुजरातीज, सिंधीज, पंजाबीज और बहुत सारे लोग, मैंगलोरियंस भी है उसमें से, फिर महाराष्ट्रियंस भी है, महाराष्ट्रियंस तो खैर अपने यहाँ के, अपने कोकन साइड के ही है, तो उन लोगों को ये रेसिपीज मतलब एक यूनिक रेसिपीज लगती है, और इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उस पर कि ये हमारे लिए, दिस इज वी आर वॉचिंग इट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, वी केम टू नो अबाउट दिस कोकनी रेसिपी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है सीरियसली, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच जो जिन्होंने भी रेसिपीज, कुकनी रेसिपीज को पसंद किया, और कमेंट्स ये भी आए थे कि कुकनी चैनल चालोता आणि कोकणीत का नहीं बोलत, लेकिन कोकनी नहीं बोलने का मकसद यही था कि अगर हम कोकनी में बात करेंगे तो बाकी जो नॉन कोकनी है उनको कैसे समझेगा, कैसे समझेगा। और ये भी उसमें प्रूव होता है ना कि अभी जैसे हमारा जनरेशन बहुत अलग जनरेशन है, मतलब हमारे मम्मी और उनके मम्मी में बात सब कोकनी में बात करते थे, अभी हमें शायद उतनी फ्लुएंटली नहीं आती है, फिर भी हम अपना कोकनी ट्रेडिशन नहीं भूले हैं, हमको अपनी रेसिपीज पता है, हमारे बच्चे अभी तक खाते हैं, तो वो चीज बहुत बड़ी बात है ना कि लहजा भले ही कोकनी ना हो तुम्हारा, बट तुम अपनी रूट्स पे हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ज्यादा जरूरी है। वही मतलब हम लोग भी अगर जो नॉन कोकनीज है उनको रेसिपीज अगर हम उर्दू में, उर्दू जुबान का इस्तेमाल करेंगे, हिंदी जुबान का इस्तेमाल करेंगे, तो उनको इजीली पता चल जाती है कि हाँ भाई इसको क्या कहते हैं, बीच बीच में थोड़े कोकनी पंच तो हम मारते रहते हैं वो आदत है, हाँ वो तो छूटती नहीं तो इसी वजह से मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग इसी वजह से उर्दू जुबान का इस्तेमाल करते हैं ताकि रेसिपी सबको समझ में आए, और सब, और काफी लोगों ने बनाना भी शुरू किया है, जैसे हमारे ये जो कैमरे के पीछे वीडियोग्राफर है शबाना, वो केरला से है, उनकी कम्युनिटी में काफी लोगों ने, काफी औरतों ने इतना पसंद किया और काफी रेसिपीज बनाए भी है उन्होंने, तो उन लोग वेट कर रहे हैं कि सबीना जी से कहिए कि तिलकुट की रेसिपी शेयर करें, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह तिलकुट की रेसिपी होगी, है ना जी, इंशाल्लाह। बातें तो चलती रहेंगी, कुछ याद है वहां पे कुछ रखा हुआ है, चलना जाए। अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर ना, अभी पकना बाकी है, और थोड़ा पके, शुक्र है टाइम पर आ गए, वरना औरतों की बातें कभी खत्म नहीं होती, एक बार शुरू हो जाती नॉन स्टॉप चल रही होती। अब ये पानी सूख गया है तो अब हम इसमें दो अंडे तोड़ेंगे ऊपर से, और फिर उसको दम कर देंगे जब तक अंडा कुक ना हो जाए, ऊपर से जो पीला होता है वो पकना चाहिए, है ना। हाँ, तो
ये अंडा तोड़ते हैं ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर उंगली गई तो पीलक टूट जाती है। स्लो एंड स्टेडी, प्यार से। तो ये और इसके ऊपर हम डालेंगे अभी जाफरान, थोड़ा इलायची पाउडर, तो वो अंडे में भी टेस्ट आ गया। अब इसको ढक के रखना, अब हम इसको ढकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पक गया चिकन और ये भी हमारा हो गया। अब हम इसको निकाल के गरम गरम खा सकते हैं। पूरा देखो ड्राई हो गया, पूरा मतलब नारियल का दूध पूरा उसमें सरोल है। सुपर हेल्दी, हाँ सुपर हेल्दी, वन पॉट डिश हो गया आपकी रेडी। ओहो क्या बात है, ये हमारी चिकन सरोले तैयार है। ये देखो बग बग, तोंडाला पानी सुटला, काय कलर आलो जाफरांचो, मस्तच। हे सगळे पॉइंट्स जीजी मी कोकणीत बोलताय, सगळे याद करून ठेव, लिखून ठेव बरोबर बरोबर। मी सकल परत इचारी फोन करून, याद है कि नाही? हाँ टेस्ट है, सकल सकल तुझा टेस्ट है, ठीक है ना? ठीक है, मैं इसको कोकणी भी सिखा रही हूँ। As usual, custom, खाने के बाद तो चखना है, फिर लोग कहेंगे सभी ना बहुत जगहों पे जाके खाना खा रही है। तो ये टेस्ट करूंगी तीखी वाले सरोले। पहली बार मुझे याद आ रही होंगी, I know, मुझे कोंकण मेला याद आ गया। स्टेज पे वो गिनती जब हो रही थी तभी वो मिर्ची वाला ना अच्छा दिखा, वो एक चक्का जो मारता है दिखा, बहुत मजेदार लग रहा है। लेग पीस तो मेरा फेवरेट है, चिकन के साथ और टेस्टी लगता है, कोंबड़ी की साथ। इसको नहीं आने का है। मैंने इसमें ना थोड़ा सा मीठा भी आ गया। हाँ वो शेयरिंग हो गया आपका, दोनों सरोले मिक्स हो गए। अब मीठा वाला, अब दोनों सरोले लड़ेंगे आपस में, मुझे पसंद किया गया, ये बोलेंगे मुझे पसंद किया। तो थैंक यू सो मच मेनास, एक नई रेसिपी सीखने मिली। मीठे तो मीठे की मतलब मीठे सरोले तो चखे हुए हैं हमने, और अलग अलग तरीके से, कभी नारियल का चून डाल के, कभी नारियल का दूध डाल के, बहुत अलग अलग किस्म की सरोले मैंने देखा है और सीखा भी है। तो ये फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा सिमिलर अरबिक डिश एक रेसिपी है उसके, उससे मिलती है जी। और तीखी वाली भी आज मैंने सीखी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दानिश भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो 2 घंटे से अपने बच्चों को संभाल रहे हैं ताकि हम सुकून से शूट कर सके, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं मिस कर रही हूँ जिदान को, और मिलकर ही जाऊंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, खैर आप आए घर में, थैंक यू सो मच। एक और एक सरप्राइज है आपके लिए जो खास हमने बनाया आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं, दिखाते हैं। अच्छा एक और कोकनी रेसिपी तो नहीं है? नहीं है, लेकिन कोकनी टच जरूर है। स्पेशली क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कोकनी शेफ और कोकनी रेसिपीज और सबको इतना बढ़ावा दे रहे, तो
इसके लिए ज़ूमिंग करना जरूरी है। तो इसमें तो डायरीज ऑफ सबीना शेख का लोगो भी है, सकरोली है, पेलवे है, खजूरी है, सांदन है और ये सरोले भी है। मतलब इतना खूबसूरत केक और नीचे कोकन का किनारा जी। मतलब आइडिया के लिए हैट्स ऑफ, वेरी पूरी हमारी कोकनी यादें इसमें आ गई। बिल्कुल थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत सरप्राइज था। तो और बताना चाहूंगी कि मैनास कोकनी रेसिपीज के अलावा बेकिंग भी बहुत अच्छा करती है, इतने अच्छे और टेस्टी केक्स बेक करती है। मैं इनकी इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करती हूँ, कुछ बताओ उसके बारे में। हाउस ऑफ बेक्स पेज का नाम है कॉमन, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे वो पेज है। अच्छा, आप जरूर फॉलो कीजिए और देखिए, बहुत अच्छी बेकिंग करती है, बहुत खूबसूरत केक्स बनाती है। कल भी एक बनाया केक मुझे बहुत पसंद आया, जो पर्पल कलर का फ्लावर कार्नेशंस थे, ब्यूटीफुल एडिबल फ्लावर्स थे वो, ब्यूटीफुल। वेडिंग केक था एक छोटा सा नीचे उनकी, अभी सिंस कोविड है तो घर में निकाह हो रहा है, तो उनके लिए खास बनाया गया। क्या बात है, क्या बात है। तो आप लोग भी जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, हाउस ऑफ बेक्स, डोंट फॉरगेट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कोकनी रेसिपी के साथ। और मैं तो ये बताना भूल गई कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डेगिस्ता सालन जो एक एपिसोड था उसको बहुत ज्यादा पसंद किए, मेरी आपा की रेसिपी, मोर देन 100K व्यूज मिले हैं। और ऑन डिमांड हम उनके साथ एक और रेसिपी करेंगे, जो एक और लोगों ने डिमांड की हुई है, देखते कौन सी रेसिपी होगी, या तो तिलकुट होगा या क्या होगा, बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।